नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी। अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, कौन भारतीय क्रिकेट टीम का नया पोशाक प्रायोजक बन गया है? ए MPL, बी DPL, सी FPL या डी CPL। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आस्था का महापर्व कद्दू भात आज, व्रत की खरीदारी के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। लोक आस्था का महापर्व छठ बुधवार को नहाय खाय के साथ शुरू हो जाएगा। इसको लेकर मंगलवार से ही गंगा स्नान करने वालों की भीड़ विभिन्न तटों पर लगनी शुरू हो गई। नहाय खाय के दिन अरवा चावल के साथ कद्दू खाने का महत्व है, इसलिए शहर की सभी सब्जी मंडी में 50 से 60 रुपए पीस तक कद्दू बिके, जो कि सामान्य दिनों में 20 से 30 रुपए पीस बिकते थे। नौगछिया शहर के विभिन्न स्थानों पर सब्जी मंडी में खासकर कद्दू के स्टॉल सजाए गए थे। सब्जी कारोबारी मुन्ना ने बताया कि छठ पर्व को देखते हुए सब्जी किसान अधिक से अधिक मात्रा में कद्दू उपजाते हैं, ताकि अधिक मुनाफा कमाया जा सके। इस बार कद्दू का भाव पिछले वर्ष से महंगा रहा। छठ व्रत में कद्दू भात का महत्व होता है। वहीं बुधवार को गंगा स्नान करने के बाद व्रती कद्दू भात ग्रहण करेंगी। गुरुवार को खरना के दिन भर व्रती उपवास रखेंगी और शाम में खीर पूरी व फल का भोग लगाकर भगवान सूर्य को भोग लगाएंगी। इसके बाद व्रती भोजन ग्रहण करेगी और प्रसाद का वितरण करेगी। बाजार में छठ पर्व की खरीदारी करने को लेकर बाजार में चौक चौराहे पर जाम लगता रहा। जाम महाराज जी चौक, वैशाली चौक, दुर्गा मंदिर चौक, स्टेशन रोड में दिन भर जाम का नजारा बना रहा। मुख्य मार्ग पर पैदल चलने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी नन एसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। नवगछिया, अपराधियों के बीच मुठभेड़ के बाद दियारा में दहशत का माहौल, भय से खेतों पर नहीं गए किसान। नवगछिया के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के बिजली दियारा में दो अपराधी गुटों के बीच हुई मुठभेड़ में अपराधी कल्लू मिश्रा की मौत के बाद से दियारा इलाके में तनाव का माहौल है। अपराधियों के बीच हुए मुठभेड़ के बाद किसान में भय व्याप्त हो गया है। जमकर गोलीबारी होने से किसान डरे सहमे हैं और अपने खेत पर नहीं जा रहे हैं। मालूम हो कि अभी दियारा में बैसाखी फसल की बुआई चल रही है। बैसाखी फसल इस्माइलपुर के लोगों के लिए मुख्य फसल है। ऐसे में दियारा में अपराधियों के गतिविधि एवं वर्चस्व कायम करने के लिए हुई गोलीबारी में किसान में खौफ का माहौल है। किसानों का कहना है कि हर वर्ष बैसाखी बुआई के समय अपराधी दियारा में गतिविधि करते हैं। किसानों को खेती करने के लिए उनसे रंगदारी वसूल की जाती है। जो किसान रंगदारी नहीं देते हैं, उन किसानों की जमीन को अपराधी कब्जा कर लेते हैं। मंगलवार को इस्माइलपुर पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। इस्माइलपुर थाना अध्यक्ष मनी पासवान ने बताया कि कल्लू मिश्रा हत्याकांड के संदर्भ में मृतक के चाचा सबौर थाना क्षेत्र के प्रसर डी निवासी अभय मिश्रा के बयान पर अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। नवगछिया के 22 स्थानों पर होगी छठ पूजा, गोपाल गौशाला में बनेगा बड़ा छठ घाट। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर प्रशासनिक स्तर से तैयारी अंतिम चरण पर है। नगर पंचायत के द्वारा कृत्रिम घाट के निर्माण एवं अस्थायी पोखर व तालाब की सफाई शुरू कर दी गई है। इस वर्ष नवगछिया नगर पंचायत क्षेत्र में कुल 22 स्थानों पर छठ पूजा होगी। नवगछिया शहर में इस वर्ष गोपाल गौशाला के पोखर के साथ साथ गौशाला के पीछे बड़े क्षमता वाला घाट का निर्माण होगा। छठ घाट बनाकर पूरे शहर के लोगों के लिए पर्व मनाने की व्यवस्था की जाएगी। तैयारी को लेकर मंगलवार को नवगछिया नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी संजीव कुमार सुमन एवं नगर पंचायत प्रतिनिधि प्रेम सागर उर्फ डब्लू यादव ने छठ घाट का निरीक्षण किया। कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि नगर क्षेत्र में कुल 22 स्थानों पर छठ पूजा होनी है। इसमें गोपाल गौशाला परिसर में बड़े घाट का निर्माण किया जा रहा है। बनाए जा रहे कृत्रिम घाट पर कम से कम 10,000 लोगों के उपस्थित होने की क्षमता है। हर एक दृष्टिकोण से यह घाट सटीक बैठ रहा है। घाट बनाने का कार्य नगर पंचायत द्वारा जन प्रतिनिधियों के सहयोग से शुरू करवा दिया गया है। घाट तक पहुंचने के लिए पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि माल गोदाम के पास स्थित पोखर घाट को प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि घाट खतरनाक होने के कारण वहां पर इस वर्ष छठ पूजा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि लोक गौशाला एवं वार्ड 23 में बड़े क्षमता वाले छठ घाट का निर्माण
हो रहा है वहां आकर पूजा अर्चना करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में छात्र नेता का बोकस वोट कर फोटो वायरल करना पड़ा महंगा, जांच के लिए पहुंचे अधिकारी। बिहार विधानसभा चुनाव में वोट डालते समय ईवीएम मशीन सहित वोट देने का सोशल मीडिया पर फोटो वायरल करना नौगछिया छात्र राजद के जिला अध्यक्ष नारायणपुर के बलहा निवासी हेमंत कुमार सिंह को महंगा पड़ गया। वहीं मामले की जांच के लिए तत्कालीन बीरपुर विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी नौगछिया DCLR परमानंद शाह जांच के लिए मंगलवार को बलहा पहुंचे। अधिकारी के द्वारा बताया गया कि मध्य विद्यालय बलहा के बूथ संख्या 35 पर हेमंत कुमार सिंह ने विधानसभा चुनाव में मतदान किया था। मतदान के समय उसने ईवीएम मशीन सहित फोटो अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल किया। इस वायरल फोटो की शिकायत होने पर निर्वाची पदाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लेते हुए भागलपुर जिलाधिकारी को जांच का निर्देश दिया है। भागलपुर जिलाधिकारी प्रणव कुमार के निर्देश पर पूर्व विधानसभा के तत्कालीन निर्वाचन पदाधिकारी सह नौगछिया DCLR परमानंद शाह ने नारायणपुर अंचलाधिकारी अजय सरकार के साथ मध्य विद्यालय के बूथ संख्या 35 और हेमंत कुमार सिंह के आवास पर जाकर जांच पड़ताल किया। हेमंत कुमार सिंह के आवास पर उनकी माता ने DCLR से इस बारे में जानना चाहा कि आखिर मामला क्या है। वहीं उन्होंने बताया कि आपका पुत्र कहाँ है। उनकी माता ने कहा कि वह अभी घर में नहीं है, लेकिन उसने जो गलती किया है इसकी जानकारी है और वह नाबालिग है। गलती की जानकारी मिलने पर उसने हेमंत को डांट फटकार भी लगाया है। मामले में बूथ संख्या 35 के पीठासीन पदाधिकारी समीम अहमद, प्रथम मतदान कर्मी सुनील सुलभ यादव, मुरारी मिश्रा, मोहम्मद इरफान अंसारी पर भी गाज गिर सकती है, क्योंकि उस बूथ पर इन चार मतदान पदाधिकारी की तैनाती के बावजूद मतदान करते समय किस परिस्थिति में फोटो लेकर वायरल किया गया इसकी जांच होनी है। नौगछिया, रवि कुमार ने जदयू मीडिया सेल जिला संयोजक का पद छोड़ा। जदयू मीडिया सेल नौगछिया के जिला संयोजक रवि कुमार ने प्रदेश नेतृत्व को पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस बाबत रवि कुमार ने कहा कि 21वीं सदी के समाजवादी नेता नीतीश कुमार के दल में बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम करने का अवसर मिलना गर्व की बात है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नारायण सिंह उर्फ दादा के द्वारा सर्वश्रेष्ठ जिला का संयोजक का सम्मान मिलना मेरे लिए यादगार रहा। उन्होंने कहा कि हमारे नेता एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ और नहीं हो सकता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे नेता के नेतृत्व में बिहार विकसित राज्य बनेगा। उन्होंने कहा कि मैं फिलहाल निजी कारणों से जिला संयोजक पद को छोड़ रहा हूं, किंतु दल का सक्रिय सदस्य बना। ढोलबज्जा, कदवा के काली मंदिर में स्थापित माँ काली की प्रतिमा का शांतिपूर्ण माहौल में किया गया विसर्जन। कदवा ओपी थाना क्षेत्र के गोला टोला काली मंदिर में स्थापित माता काली की प्रतिमा को मंगलवार की सुबह करीब 7 बजे शांतिपूर्ण माहौल में विसर्जन कर दिया गया। प्रतिमा का विसर्जन गोला टोला के बोचाही धार में किया गया। वहीं शांतिपूर्ण विसर्जन को लेकर मेला कमेटी के सदस्य मणिकांत सिंह, गुरुदेव सिंह एवं वहां के दर्जनों गणमान्य लोगों के साथ कदवा थाने की पुलिस के साथ SI महेंद्र सिंह भी मुस्तैद थे। कृपया ध्यान दें कि अब खबर 1 मिनट के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773, 93043-67-170। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया। ढोलबज्जा, दूसरे दिन भी राजू राय के हत्यारों का नहीं चल पाया पता। कदवा के बोड़वा टोला निवासी वृद्ध किसान राजू राय की हत्या मंगलवार की अली सुबह अज्ञात अपराधियों द्वारा धारदार हथियार से काटकर किए जाने के दूसरे दिन भी पुलिस को हत्यारों तक पहुंचने के लिए कोई सुराग नहीं मिल पाया है। कदवा पुलिस घटना के कारणों का पता लगाने के लिए लगातार मृतक के परिजनों व स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है। मृतक के छोटे पुत्र ज्ञान चंद्र कुमार राय ने मंगलवार को अज्ञात के खिलाफ कदवा थाने में आवेदन देते हुए मामले का उद्भेदन कर हत्यारों के ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं पूछे जाने पर थाना अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार ने बताया कि मृतक के परिजनों की ओर से थाने में अज्ञात के खिलाफ लिखित आवेदन दी गई है, जिसकी प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। जल्द ही मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। ढोलबज्जा, गंगा स्नान कर जा रहे घर बाइक सवार दंपति को पीछे से दूसरे बाइक ने मारी ठोकर, गिरकर हुए चोटिल।
कदवा ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत बाबा विश्व राउत के अप्रोच पथ पचगछिया टोला के समीप मंगलवार को एक बाइक सवार दंपति को पीछे से आ रहे दूसरे बाइक सवार ने धक्का दे मारा, जहां धक्का लगते ही रुपोली प्रखंड के मोहनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मीनिया गांव निवासी बाइक सवार जयप्रकाश मंडल व पीछे बैठी उनकी पत्नी गिरकर चोटिल हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों पति पत्नी गंगा स्नान कर अपने घर जा रहे थे, जैसे ही पचगछिया टोला के समीप पहुंचे तो पीछे से आ रहे खैरपुर बाजार के एक बाइक सवार ने जोरदार ठोकर मारकर वह मौके से ही फरार हो गया। गिरकर चोटिल हुए जयप्रकाश मंडल को आंशिक रूप से चोट लगी थी, तो वहीं उसके मोटरसाइकिल पर पीछे बैठी पत्नी के पीठ जख्मी हो गए थे। गिरने के बाद जयप्रकाश मंडल के हीरो होंडा सीडी डिलक्स मोटरसाइकिल का अगला हिस्सा भी चूर हो गया था। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी नन एसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर, संपर्क सूत्र 9661904817, 7992499821। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट, घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोर स्टेशन के सामने, नवगछिया। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773, 9303767170। नवगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787, 7325052437।